जगह तलाश की, हमने कहीं नहीं मिले। मैं एक महीने से यही सुन रही हूँ, मेरे पति की जगह एक नया ऑफिसर भी आ गया और अब भी आप उससे सच नहीं कह रहे हैं। सर, मेरे पति एक महीने से गायब है, वो आखिरी बार सलीम को पकड़ने गए थे और ये है कि कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे। सुन, मुझे ना सब मालूम है, मेरी बात मानेगी तू? अपने पति को भूल जा, मैं तुझे बहुत पैसे दिलवाऊंगा, चुपचाप पैसे ले ले और मुंह बंद रख। कल को अगर तू लापता हो गया तब तेरी बीवी पैसे लेकर अपना मुंह बंद रखेगी क्या? कुत्ते, लालची होकर अपना ईमान बेच दिया। पुलिस वाले मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, मुझे सलीम के पास ही जाना होगा। सलीम से मिलना इतना आसान नहीं है, आइए घर छोड़ देता हूँ। बक्से के अंदर तो हथियार था, तुम कौन हो? इंस्पेक्टर राजा राव की वाइफ है। मेरे पति कहाँ है? कहाँ है मेरे पति, कहाँ है? छोटे वाक्य कितने सुरीले लगते हैं ना, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? एक सवाल का जवाब दूंगा तो क्या होगा, तेरे पेट से और एक सवाल पैदा हो जाएगा। कौन से सवाल होंगे? कौन, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे सवाल होंगे जिससे मेरा खून खौलता है। ए, बता मुझे, जवाब दे वरना काट के रख दूंगी। मेरे पति कहाँ है? वो कहाँ है ये सिर्फ मैं अकेला जानता हूँ। अगर तू मेरा गला नहीं काटेगी तो हो सकता मेरी जुबान को तुझ पर तरस आ जाए और कुछ भूल पड़े। पुलिस में रहकर तेरा पति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू किस खेत की मूली है? ए, इसके पति को हमने ऊपर पहुंचाया था, इसे जिंदा दफना दो। क्या, मेरे पति को मार डाला? तुमने मुझे कमीना कहा? में जब भी पाप बढ़ता है आप दोबारा जन्म लेते हैं, तो आप आज क्यों पत्थर बने हो? आओ संसार का उद्धार करो। तुम कहां से आओगे,
इस पत्थर से आओगे, आकाश से आओगे, इस भूमि से आओगे, कहाँ से आओगे? जवाब दो, कहाँ से? इस बार रोड कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना है। अगर कोई बीच में आया तो बाबू,
आकाश से जिस तरह वर्षा भूमि पर आती है ये सत्य है। समंदर का पानी भाप बनकर आकाश में पहुंचता है ये सत्य है। वैसे ही मेरा बेटा करमवीर प्रताप पुलिस ऑफिसर बनकर इस भारत देश की सेवा करेगा ये सत्य है। Minister is here, start.
हमारे प्रधानमंत्री जी पर हुए टेररिस्ट अटैक में मरने वाले एक टेररिस्ट के कोर्ट में फोन मिला। इंस्पेक्टर करमवीर ने इस हमले के पीछे निक्सन का हाथ होने का सबूत पेश किया है, जिस पर कार्रवाई जारी है। इस जानकारी की वजह से इंटरनेशनल पुलिस ने ये केस इंटरपोल को सौंप दिया है। इंटरपोल ने निक्सन को चारों तरफ से घेर लिया। भागने की कोशिश में वो एनकाउंटर में मारा गया। हमले का मुख्य आरोपी निक्सन के मरने की वजह से दूसरे कोई सबूत हाथ नहीं लगे। मजबूर होकर इंटरपोल को ये केस बंद करना पड़ा। जब मैं थाईलैंड दौरे पर गया हुआ था, तब जिसने मेरी जान बचाई वो है जाबाज आईपीएस ऑफिसर करमवीर प्रताप। मिस्टर करमवीर, प्लीज कम ऑन स्टेज। रिक्वेस्ट फॉर यू सर, इस बड़े मौके पे माइक पे मैं कुछ कहना चाहूंगा सर, प्लीज सर। ऑफ कोर्स मिस्टर करमवीर। साथियों, मुझे पुलिस ऑफिसर बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर आज मुझे ये अवार्ड्स, ये मेडल्स, ट्रॉफीज दी जा रही हैं। हम सारे कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में है, जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, दंगे नहीं हो रहे, ये हम मानते हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आम जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, कभी सोचा है? पुलिस की तो डैश डैश डैश, ये डैश की जगह पर ऐसी गालियां होती हैं जो मैं बयां नहीं कर सकता। हर रोज सुबह हम उठते हैं, नहाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, जीप में मुफ्त का पेट्रोल डालते हैं और हर महीने की पगार पहली तारीख को लेते हैं। ये सब मुझसे नहीं होता। मैं करमवीर प्रताप ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। हजारों हजारों मुसीबतें हैं, लेकिन इन हजारों मुसीबतों का हल क्या है? अगर विद्यार्थी ठीक से ना पढ़े तो गुरु का दोष, अगर बेटा घर में ठीक से बर्ताव ना करे तो घर के बुजुर्गों का दोष, अगर जनता गैर कानूनी काम करे तो पुलिस का दोष। सर, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पुलिस की एक टीम दीजिए। जिस तरह हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन है, वैसे मुझे हर नुक्कड़ गली गली में टेलीफोन बूथ चाहिए। आम जनता उसमें सिक्का डालकर हमें ये बताएगी कि किस पुलिस स्टेशन में उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। आगे मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी टीम के साथ उस थाने में पहुंचूंगा। जो भी फ्रॉड ऑफिसर उस केस से जुड़ा होगा, मैं उसे अपनी स्टाइल में समझाऊंगा। लोग फोन करके कंप्लेंट करेंगे और मैं फौरन एक्शन लूंगा, लेकिन मेरे एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी मेरी सोच को ना रोक पाए। मेरा बस यही मानना है, मुझे भारत निर्माण के लिए ऐसी टीम दे दीजिए। सर, क्या ये मुमकिन है? अगर देश का हर एक पुलिस वाला अपने अंदर सच्चा और पक्का संकल्प लेगा तो हम सब नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। सर, नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। जय हिंद। काय को चाव चाव कर रहा है? चोरी हो गया साहब। मैं यहाँ क्या खाली बैठा हूँ? मेहनत के पैसे बेटी के ब्याह के लिए बचा कर रखे थे। कब हुई चोरी? 10 बजे साहब। ए,
सुबह के 10 बजे की रात के 10 बजे ठीक ठीक बता बुड्ढे साहब रात के 10 बजे साहब एक मिनट साहब एमएलए जी का फोन है। सर नमस्ते सर क्या कहा आपके साले की बैग खो गई है एरिया कौन सा था धारावी अभी देखता हूँ सर धारावी का भाई कौन है अफजल भाई फोन लगा उसे हेलो अफजल भाई ये क्या वो आपले एमएलए साहब है ना उनका बैग खो गया कितने बजे सर 7 बजे सकाळी की रात्रि सुबह के साथ या रात के साथ सुबह के सात बजे धारावी में किधर धारावी में कहाँ सर टैक्सी स्टैंड के पास टैक्सी स्टैंड के पास क्या बोले दो बैग मिले कलर ब्लैक कलर ब्लू नहीं ब्लैक कलर वीडियो कैमरा और फिर एक लाख रुपया सर बैग मिल गया सर 1.5 घंटे में आप तक वो बैग पहुंचा दूंगा ओके सर थैंक यू सर एक घंटे में बैग पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहिए लेट हुआ ना तू लेट जाएगा यार तू यहाँ क्यों खड़ा है मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो जाएगी तू ही बता मैं क्या करूँ उसे क्या अपनी रखेल बना ले कितना पैसा है जेब में ओनली 1 रुपी साहब ये बुड्ढे हमारे साहब के तुझे भिखारी लगते हैं चल निकल मुझे नहीं चाहिए ये वो देखो टेलीफोन बूथ 1 रुपए का सिक्का अंदर डालिए और अपनी सारी तकलीफें उगल दीजिए वैसे भी खोने को है क्या चाहिए He's on screen one, sir. मेरी बात कराओ दिलीप सर तुमने मुझे सैल्यूट क्यों किया क्योंकि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं क्या तुम जानते हो मुझसे तुमसे और हम सबसे सुपीरियर कौन है ये बुजुर्ग आदमी जानते हो क्यों तुम्हारी और मेरी तनख्वाह इनकी कड़ी मेहनत की कमाई से आती है इसीलिए हम हर महीने सैलरी क्यों लेते हैं ताकि अपने देशवासियों पर जब भी संकट आए तो हम उनकी रक्षा कर सकें इनकी बेटी की शादी के पैसे किसी ने चुराए जब ये कंप्लेंट लिखवाना है तो तुमने क्या कहा इनकी बेटी के बारे में तुमने क्या कहा तुम भी किसी माँ के बेटे हो किसी औरत के पति हो किसी बेटी के बाप हो तुम्हारी जिंदगी में माँ लक्ष्मी जैसी औरतें हैं फिर भी तुम इनकी बेटी को रखेल बनाओगे तू पुलिस रही है गुंडा सुन अगर कोई लड़की कंप्लेन लिखवाने आती है तो उसे रेप का डर नहीं होना चाहिए जिसके घर चोरी हुई है उसे डर नहीं लगना चाहिए कि पुलिस उसी को लूटेगी आम जनता में हमारा खौफ नहीं बल्कि उनके दिलों में हमारी इज्जत होनी चाहिए सम्मान होना चाहिए इस खाकी वर्दी में कोई कमी नहीं कमी तो है करप्ट ऑफिसर में जो इसे बदनाम करते हैं दिलीप यस सर जाफर यस सर पानी शपथ लो राजकुमार सिंह भारत राज्य भूल गए मेरे पीछे पीछे दोहराओ
मैं राजकुमार सिंघानिया, राजकुमार सिंघानिया, भारत देश और उसके संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। भारत देश और उसके संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। मैं राष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति वफादार रहूंगा। मैं राष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति वफादार रहूंगा। निष्पक्ष रहकर और निर्भयता से मैं भारत देश की प्रजा की सेवा करूंगा। निष्पक्ष रहकर और निर्भयता से मैं भारत देश की प्रजा की सेवा करूंगा। संविधान में लिखे गए लोगों के अधिकारों का मैं सम्मान करूंगा। संविधान में लिखे गए लोगों के अधिकारों का मैं सम्मान करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का पालन जिम्मेदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। अपने कर्तव्यों का पालन जिम्मेदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। मैं सच्चे दिल से यह शपथ लेता हूं। मैं सच्चे दिल से यह शपथ लेता हूं। बहुत ही हल्का महसूस हो रहा होगा। सोच रहे हो कि मरने के बाद ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? दिलीप सर, भगवान तभी माफ करेगा जब तुम इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओगे। जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलर भेजो कि हर फरियादी के साथ मेहमानों जैसा सुलूक हो। मेरी बाइक खो गई है सर। अरे नहीं नहीं नहीं, परेशान मत होइए। मेरी बाइक? मैं हूँ ना, मैं गारंटी लेता हूँ उस बाइक को कुछ नहीं होगा। मेरी बाइक? आप कॉफी पींगी या चाय? खंबे का ऑप्शन है। कॉफी या चाय? कॉफी। और किसी पर कोई शक है आपको? बॉयफ्रेंड पर। बॉयफ्रेंड आपका या आपकी गर्लफ्रेंड का? दोनों का बॉयफ्रेंड सर जी। ये लीजिए सारी डिटेल्स है, इसमें चेक कर लीजिए। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, शाम के 7:30 बजे से पहले बाइक और बॉयफ्रेंड घर पहुँच जाएंगे। आपके बेटे की न्याय की वजह से हमें अपनी जमीन वापस मिली, इसे रख लीजिए। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो गुलाब का पौधा दीजिए। शुक्रिया। चीज खो गई है मेरी। कौन सी? मेरा दिल। सर सर रुकिए सर, आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? बिना जवाब दिए आप नहीं जा सकते। मेरा एक ही धर्म है, जिस दिन से पुलिस की वर्दी पहनी है उस दिन से देश की जनता की सेवा करना ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। प्यार के झंझट में पड़कर मैं अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता। शादी करने के बाद 24 घंटे अपने बीवी के पीछे पीछे मैं नहीं भाग सकता। प्यार में स्पीड, फोर्स, स्पिरिट और अपनी सिंसियरिटी को डिस्टर्ब करूं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या आप कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे? किसी से भी नहीं? Maybe I might fall in love, वो भी मेरे mindset, motivation और मेरे जैसी spirit वाली कोई lady police officer मिलेगी, then maybe I might fall in love। वो क्या है? हमारे सर को duty वाली चाहिए, beauty वाली नहीं, हैं? चल चुपचाप। Hey, पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ गब्बर का पोता बब्बर, नाम है बब्बर शेर। पुलिस, बैठो, पुलिस, पुलिस। फिल्म में नहीं दिखता, पुलिस हमारे जाने के बाद आएगी। चल माल निकाल। चार मिनट के 2 लाख कितने के? 1 लाख।
मेहनत की कमाई कितनी खाई। निंजा की नानी पीछे से हमला करता है साले। मैडम प्लीज कम ऑन ये द क्राउड, निकलो यहाँ, कोई शूटिंग नहीं चल रही है, जा जा। चलो इन्हें ससुराल लेकर चलते हैं, घर चलते हैं। जिस दिन से पुलिस की वर्दी पहनी है उस दिन से देश की जनता की सेवा करना ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। सर पेमेंट मिलेगा कि नहीं? आ रहा हूँ। बेबी यप। संजय गिलानसारी का मैं फर्स्ट असिस्टेंट हूँ, वो सेकंड है, वो थर्ड है। हमारे बिना उनकी शूटिंग शुरू नहीं होगी, जूनियर आर्टिस्ट वेट कर रहे हैं। अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुँचे तो वो हमें ठोक ठोक कर ठोक देंगे। बादशाह मैं एक्ट्रेस कैसी हूँ? पूरी ओरिजिनल, लगा जैसे रियल पुलिस वाली हो। लगा ना? मेरी और तारीफ करो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी स्पीड देखकर वो ऑफिसर हिल गया। वही तो। प्यार में स्पीड, फोर्स, स्पिरिट और अपनी सिंसियरिटी को डिस्टर्ब करूं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रिमोट दबाते ही जैसे आगे पीछे भाग रहा है ना, वैसे ही मैं उसे अपने आगे पीछे भगाना चाहती हूँ। बेबी चाहे तुम उसे ओलंपिक्स में भगाओ, लेकिन हमारा बिल तो दे दो। कितना हुआ है? ज्यादा नहीं, सब डिस्काउंट जोड़कर। जीप का भाड़ा 2,000, साइरन रेंट 1,000 रुपए, लेडी कांस्टेबल प्लस फाइटर्स का खर्चा 45,000, 45,000 का ग्लास तोड़ा, शॉप का भाड़ा 25,000, कुल मिलाकर हुआ 1,50,000 है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना खर्चा? तुम्हें पैसों से प्यार है या ऑफिसर से? ऑफिसर से। बाशा कॉलिंग, कमिंग। बाशा कॉलिंग, कमिंग। कौन कमिंग? अरे वो कमिंग। लेकिन कहाँ? तुम्हारे पीछे, लेफ्ट से, लेफ्ट से। नहीं नहीं, तुम्हारे राइट, राइट में काट में देखो। हेलो हेलो हेलो, मधुमती कॉलिंग, मधुमती कॉलिंग। यस एवरीथिंग इज ओके। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो, आंखों से गोलियां चला रहे हो क्या? जानते हो मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर मधुमती। गोलियां चलाना मेरा काम है। ईव टीजिंग के आरोप में ससुराल ले जा सकती हूँ। ससुराल गेंदा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हें जानकर क्या करूँ, अगर तुम कोई बड़े ऑफिसर भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन में पाप ना हो तो देखने में बुराई क्या है? क्या कहा? कल भी मैं तुम्हें देख रहा था। घर में माँ बहन नहीं है क्या? धीरे धीरे हौले हौले मेरा देखना घूरने में बदल गया। अच्छा, क्या धोया? ओह, कल जब तुम गुंडों की धुलाई कर रही थी तब एक गधा पीछे से आया, तुमने उसे देखा तक नहीं पर हाथ पीछे करके उसे उठा के क्या जोर से 50 रिहर्सल किए थे। उस गुंडे का जो सर फूटा ना, दैट वाज रियली ब्रिलियंट। अच्छा बेटा, दैट ट्रूली ट्रूली इंप्रेस्ड मी। मेरी हालत ऐसी है जैसे बेगानी शादी। रियली ब्रिलियंट। पर मैं ये बात करने नहीं आया। कल सुबह मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, कार से उतरी तो थोड़ा और गौर से देखा, आज फिर हमारी यहाँ मुलाकात हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को कितनी बार देखा ना, कल आज की देखा देखी में मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। मुझे लगता है एक अनजानी सी शक्ति हमें एक दूसरे के पास ला रही है, इसीलिए टकरा रहे हैं। मधुमती, इस फैन की एक छोटी सी विश है। वो क्या? आपके साथ एक रोज, एक रोज, एक साथ, एक साथ तुम्हारे पास, मेरे पास बैठ कर एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीनी है, स्ट्रॉन्ग। बेड़ा गर्क। कॉफी, यस कॉफी। बाय द वे, तुम किस थाने में तैनात हो? सिंगम चौकी। पता है थाने में मेरी बहुत चलती।
पब्लिक प्लेस में सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट वाले मुझे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं यू सी। दैट्स गुड। तुम्हारी तो तारीफ हो गई, मेरे बारे में नहीं जानना। मैं क्यों जानूं कि तुम कौन हो? तुम्हारे बारे में मेरे को जानने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हमेशा उन चार लोगों के बारे में सोचती हूँ। कौन है वो? रम्या, सौम्या, कालिया, बालिया। वो कौन? रम्या, सौम्या, कालिया, बालिया, ये चारों सुबह थाने आए थे कंप्लेंट लॉज करने, और उनकी कंप्लेंट ये है कि वो शादी नहीं करना चाहते और उन पर जबरदस्ती की जा रही है। मेरे लिए ये केस इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि पीएम को क्या चाहिए, सीएम को क्या चाहिए, अब या फिर तुम्हें क्या चाहिए। या ट्रू ट्रू, या गुड गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है, वेरी इम्प्रेसिव, दैट्स रियली गुड। वेटर। यस मैम। बिल प्लीज। ओके मैम। बिल मैं भरूंगा, वेट। फोन। श्योर। हेलो शीला। तुझे मेरा एड्रेस चाहिए? हाँ लिख ले, लिख लेना, अच्छे से नोट कर ले। नंबर 18 प्रगति नगर, कपूर बस्ती, याद रहेगा ना? नहीं मैं दिन में बाहर हूँ, रात को 8 बजे के बाद घर पे रहूंगी। हाँ हाँ या मुझे गुंडों को पकड़ना है। थैंक्स फॉर द कॉफी। वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। यू टू। अरे कपूर बस्ती। ये तुम वहाँ भूल गई थी इसलिए देने आ गया। करचीफ। तुम इसे वहाँ रेस्टोरेंट में भूल गई थी इसलिए। इतनी रात को देने आए, कल भी तो दे सकते थे। वो क्या है, जब किसी की कोई चीज मेरे नजरों के सामने खो जाए तो उसे लौटाए बिना मुझे नींद नहीं आती, रहा नहीं गया इसलिए देने चला आया। ओह सिर्फ रुमाल ही देने आए हो? ओके 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 ओके। हेलो जी, आखिर माजरा क्या है? वो लव शाव, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? नो 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 नो, यहाँ मैटर थोड़ा अलग है, यहाँ बात आती है सिंसेरिटी की, क्योंकि मैंने पुलिस ऑफिसर बनकर देश के लोगों की सेवा करने की कसम खाई है। ये सब तो मेरे डायलॉग्स हैं, हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। हाँ? तो क्या तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं करोगी? आई माइट फॉल इन लव, पर लड़का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए तभी बात बनेगी। तुम्हें कोई अपने जैसा पुलिस वाला मिल जाए तो क्या तुम उससे शादी करोगी? या व्हाई नॉट, सी यू टुमारो। हाँ हाँ आने दो, रेडी हूँ। करमवीर प्रताप। ओह
ड्यूटी वाली ब्यूटी। सालों पहले हमारे स्टेट का सलीम नाम का एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर आज दुनिया में बिजनेसमैन अल सलीम के नाम से मशहूर है। सलीम ने अपना सफर छोटे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में शुरू किया था, पर 25 सालों में वो दुनिया के नंबर वन बिजनेसमैन बन गए हैं। 8 सालों बाद वो अपने देश लौटे हैं। अगर अल सलीम जी हमारी मदद ना करें तो मैं कुछ नहीं और हमारी पार्टी भी कुछ नहीं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर भारत आज तरक्की कर रहा है तो वो सिर्फ अल सलीम जी की वजह से। उनके बिजनेस में पार्टनर बनना ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरे इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने का कारण वही है। सर। यस। इंस्पेक्टर मधुमति आई है। या, आई विल बी देयर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। किसे ढूंढ रहे हैं सर? इंस्पेक्टर मधुमति को। मैं ही तो हूँ। क्या? हाँ, इंस्पेक्टर मधुमति की बात कर रहा हूँ। वही तो हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिंघम थाने में तैनात इंस्पेक्टर मधुमति की। हमारे पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही कपूर बस्ती है। उस एक कपूर बस्ती में भी सिर्फ एक ही सिंघम थाना है। उस एक लौते पुलिस स्टेशन में मधुमति नाम की एक लौती कुंवारी मैं ही हूँ सर। कोई और मधुमति है जिसका ट्रांसफर पिछले हफ्ते हुआ है? इस भारत देश में हमारा ये एक ही शहर है और हमारे इस शहर में ये एक ही कपूर बस्ती है और उसी एक लौती कपूर बस्ती में एक लौता सिंघम थाना है और उस एक लौते पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल्स की पुंगी बजाने वाली इंस्पेक्टर मधुमति मैं ही हूँ। 100% श्योर हो? हाँ। हीरो आ गया। हीरोइन रेडी है कि नहीं? लाइट्स कैमरा चलो पकड़ो 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 जल्दी एक्शन। कहाँ छुपा रखा है? बता अग्रवाल साहब के कुत्ते के गली का पट्टा कहाँ छुपा कर रखा है तूने? मैंने बेच दिया। सॉरी। किसे दिया? जाने वाले को। दिस इज नो टाइम टू लव, दिस इज टाइम टू वर्क। डोंट डिस्टर्ब मी। या तुम्हारे पास सीएम और पीएम के लिए भी टाइम कहाँ? शायद भंडा फूट गया। मारो मारो। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मधुमति, इंस्पेक्टर मधुमति। पता है पता है। जानता है मेरा बाप कौन है? हॉलर है। GIG है मेरे पापा। अच्छा? हाँ। मुझे नहीं बताया। मौका ही नहीं मिला ना। हाँ आज मौका है। मैं तुम्हारी इस केस में मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम इनके हाथों मार खाओगे या मेरे हाथों मरोगे? तुम मारोगे तो बॉडी में दर्द होगा और ये मारेगी तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। नो 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 नो, दिस इज माय केस। मैं अपने स्टाइल से ही सॉल्व करूंगी। तुम बीच में मत आओ। ओके 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 ओके, मुझे मारना छोड़ो। ये पुलिस सायरन तुमने कहां से भाड़े पे लिया? चोर बाजार सुपरमार्केट से। वो क्या है ना, मैंने डिपार्टमेंट वालों से कहा कि नया सायरन ला दो, पुरानी की बैटरी चली गई है। अरे अब डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो ना। मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी है इंस्पेक्टर मधुमति। यस सर। मेरी बहन तुम यहाँ? क्या कहा, तुम क्या मेरे भाई हो? क्या तुम्हारे और मेरे बाप अलग अलग है? हाँ अलग है। इतने दिनों से मैं परेशान थी कि मेरे दूसरे बैच और बेल्ट को आखिर आसमान निकल गया या जमीन खा गई, पर वो तो तुमने चुराए थे। चोर गलत, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। देखिए वो। हाँ, ये तेरी जोड़ीदार है? ये अच्छी लड़की है बहन। अच्छी लड़की है। ये धांधली क्यों की रे तूने? वो क्या है ना कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। इन्होंने कहा ये सिर्फ किसी पुलिस वाली से ही प्यार कर रही है। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। आइए आइए अंदर आ जाइए। अरे अरे, तुम यहाँ कैसे आई? टेंशन मत लो। तुम्हारी बिल किसने करवाई? फिश करी है, चिकन करी है, धनिया मार के रेडी है पतिदेव। पतिदेव? कौन पतिदेव? सासू माँ। क्या हुआ बहू? सासू माँ, इन्होंने मुझे बहू बना लिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माँ ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। जानती हूँ। ये धोखेबाज है। नहीं बेटा, इसने तुमसे करती है। अच्छा बताओ मेरा बेटा कितना महंगा पड़ा तुम्हें? पूरे 50,40,000। हाथ हटाओ। डांट मत उसे। ओके ओके, यहाँ रहने की परमिशन दे रहा हूँ लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाओगी। ओके 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 ओके, सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओके 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 ओके, हर बात के लिए ओके ओके कहने की जरूरत नहीं है। ओके और ओके। करमवीर की स्पेशल टीम बनाने के बाद कोई भी पुलिस स्टेशन से मायूस होकर नहीं लौटता।
आज जनता के साथ पुलिस वालों का रिश्ता सुधरता जा रहा है। She's on main screen, sir. Let me see. Hello. मेरी एक कंप्लेन है, मेरा बेटा पुलिस में था लेकिन अब वो गायब है। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी लिखाई थी लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। सॉरी सर, मेंटल पेशेंट है। सॉरी। चलो यहाँ से। तुम्हें शायद मैं पागल लग रही हूँ। नहीं बेटा, मैं खुद को जिंदा रखने के लिए पागलपन का नाटक कर रही हूँ ताकि वो लोग मुझे मार ना डाले। शायद अपने बेटे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए आज तक जिंदा हूँ। बेटा, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढ कर ला सकते हो? जब कोई खो जाता है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। मेरा बेटा तो खुद पुलिस ऑफिसर था। मैंने तो पुलिस वालों से पुलिस ऑफिसर के खोने की रिपोर्ट लिखवाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक माँ का दर्द उन्हें नहीं दिखाई दिया। बेटा, इसमें जरूर कोई साजिश है। अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाना गुनाह है। अपने बेटे को एक ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर बनाना गुनाह है। वो मेरा इकलौता बेटा है, उसकी सलामती की दुआ मैं सुबह शाम मांगती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। जैसे हम कुछ पैसे डोनेशन बॉक्स में डालकर भगवान को अपनी तकलीफ बताते हैं, वैसे ही फोन बॉक्स में एक रुपया डालकर तुम्हें अपनी तकलीफ बताते हैं ताकि भगवान की तरह तुम पुलिस वाले भी हमारी मदद कर सको। तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। कौन सजा देगा? चुपचाप सर्वनाश होते देखोगे? माँ जी, कंप्लेन आपने किस थाने में करवाई है? इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है, उसका क्या हुआ? बहुत ढूंढा, मिला नहीं। केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है, बहुत ढूंढा, मिला नहीं। केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि आप जितनी बार सवाल पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा। मुझे जवाब नहीं सुनना, सच सुनना है। कुछ लोग ढूंढ कर कहते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ ढूंढते नहीं और कहते हैं उन्होंने ढूंढा। मैं बकवास सुनने नहीं आया। खिलौना नहीं, एक पुलिस वाला गायब हुआ है। पुलिस, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसा पुलिस। चंद पैसों की लालच में तुमने केस बंद कर दिया। बहुत हुआ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने केस बंद किया, लेकिन पैसों की वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से। उनकी एक फूटी कौड़ी भी मैंने नहीं ली। भले ही मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर ना हूं, पर मुझे गर्व है कि ईमानदार जरूर हूं। हमारा ऑफिसर कहां गायब हो गया कोई नहीं जानता, और इस केस में उलझकर मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं करूंगा। डरता हूं मौत से। डर? मौत से डर लगता है? अपने आप से पूछो, क्या तुम जिंदा हो? इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है, मतलब ये नहीं कि वो जिंदा है। मौत के खौफ के बगैर जो जिंदगी जीता है वही सच्चा सिपाही कहलाता है। मरना तो सभी को है कभी ना कभी, लेकिन कायर की तरह जीकर हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज देंगे? पुलिस ऑफिसर बनकर जब जब आप अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो किसी और से भी अपनी बेटियों के लिए इंसाफ की उम्मीद मत करना। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। ऐसा काम ना करो कि नर्क भी नसीब ना हो। हुसैन की फाइल रीओपन करो। नो, डोंट डू इट। मेरी बात मानिए, प्लीज प्लीज। हुसैन के फोन पे लास्ट कॉल किसका आया था? इस केस को भूलने में ही सबकी भलाई है। गायब होने से पहले हुसैन किससे मिलने गया था? अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं सर? फोन नंबर नोट करो और एड्रेस निकालो। मौत को चुनौती मत दीजिए। ये केस आपके पास था, आप इसे हैंडल करेंगे। नो नो, आई कांट डू इट। करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं।
अगर जहन में आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। जहन में ठान लो तो पहाड़ों के बीच रास्ता बन सकता है। जहन में सच्चाई हो तो चाय वाला पीएम बन सकता है। और अगर जहन में अटूट विश्वास हो तो हम मौत को भी मात दे सकते हैं। कल से इंक्वायरी शुरू करनी है। We are done with this deal. The profit margin will be 3 times more than we expected, and it is up to us to finalize the customer as well. Mr. Salim. 1 minute. Paris. Yes, sir. Please wait outside. All right. तशरीफ। मिस्टर सलीम, हुसैन की मां ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की थी। ओ 2331-2233 पे बात करने के बाद हुसैन जल्दबाजी में घर से निकला था। उस दिन से वो घर नहीं लौटा। हुसैन के बारे में Excuse me, एक छोटा सा सवाल है, पूछ सकता हूं? जब से आए हो हुसैन हुसैन का नारा लगा रहे हो, हुसैन है कौन? वो एक इंस्पेक्टर है। कौन है वो? 3 Town Circle चौकी का इंस्पेक्टर हुसैन। हुसैन था इंस्पेक्टर? ओ बोलो आगे बोलो। ये हु 2331-2233 आपका नंबर है। हुसैन आपसे मिलने आया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। कहां है वो? कहां है हुसैन? कहां है हुसैन? कहां है? कहा है? उससे हुसैन को आपके नंबर से फोन आया था। इस कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं। इन 2000 को 2000 लोग मिलने आते हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी ने कॉल किया होगा। तो आपने हुसैन को कॉल नहीं किया? चाहो तो यही समझ लो। हुसैन को आपने कॉल किया था या नहीं? नहीं। ओके जाओ, मेरे पास बहुत काम है। सलीम, इस डिस्कशन को स्टेटमेंट बनाकर साइन करना पड़ेगा। कल सुबह मेरा कांस्टेबल आकर तुमसे पेपर लेकर जाएगा। ओके, बी रेडी, चलो। ऑफिसर, देश को कैसे सोना है, देश को कैसे जागना है, देश को कब काम करना है, ये मैं तय करता हूं। कैसे कहता? कांस्टेबल आकर स्टेटमेंट लेगा, आप उस पर साइन कर देना। दिस इज व्हाट यू डिड। क्या लगता है मैं कौन हूं? Do you think I am your car driver? Am I a constable? This is your home? Is this your police station? What should I do? Should I salute you? Who do you think I am? फटे पुराने जूते और मैली कुचली वर्दी पहन के आया है और मुझसे सवाल करता है और चाहता कि मैं जवाब भी दूं। सवाल तू पूछ सकता है, लेकिन कब? जब हाथ में एविडेंस हो और मेरा इन्वॉल्वमेंट हो तब। EVIDENCE, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और अगर सबूत नहीं है तो तू मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता। तू पूछेगा और मैं जवाब भी दूंगा, मगर इज्जत के साथ, बेइज्जती नहीं। इज्जत तो
मिस्टर अल सलीम, हमारे बीच में जो कुछ भी डिस्कस हुआ है मुझे उसका स्टेटमेंट बनाना है। क्या कल कांस्टेबल आपकी साइन लेने आ सकता है? आप बस उसे 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। ऐ सुन करमवीर, तू टेंशन क्यों पाल रहा है? हुसैन को भूल जा, वो तेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं। देख इतना सोच मत, सब हुसैन को भूल चुके हैं। ऐसा आपको लगता है? आज तक हुसैन की अम्मी अपने बेटे को नहीं भूली है, और मैं नहीं भूला हूं कि वो किस तरह मेरे सामने रो रही थी। उस लाचार मां को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। ऑफिसर, मुझे ना सब मालूम है। तुम्हें हुसैन की मां को कुछ देखना है ना, मेरे पास रास्ता है। कोई भी डेड बॉडी को लाकर कहेंगे कि ये हुसैन की लाश है, तू हमारा साथ दे और मुंह बंद रख। हम उस बॉडी को गवर्नमेंट को सौंप देंगे, पैसे मिलेंगे। चुपचाप पैसे ले ले, उस पैसे में से कुछ हम हुसैन की माँ को भी दे देंगे। सीधे आदमी को टेढ़ी सलाह दी तो 6 की 6 ठोक डालूंगा। ऐसे भी साहब, इसकी डेड बॉडी दिखाकर गवर्नमेंट से पैसे लेना और इसकी माँ को दे देना, तब इसकी माँ को सुकून मिलेगा। ऑफिसर, आई एम योर सीनियर ऑफिसर, ये मत भूलो। आप मेरे सीनियर ऑफिसर है, ये बात मुझे भुलाने पर मजबूर मत कीजिए। सुने ऑफिसर, तूने पूछताछ कर ली है, अल सलीम ने हुसैन को फोन नहीं किया था, और कोई एविडेंस है तेरे पास? अल सलीम झूठ कह रहा है, अल सलीम झूठा है। पता है हुसैन गायब क्यों हुआ है? पिछले साल सीएम पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था उसके सबूत शायद हुसैन के पास थे, इसीलिए अब मैं वो केस हाथ में लूंगा और मैं भी गायब हो जाऊंगा। गायब होकर हुसैन के बारे में पूरी छानबीन करूंगा और पता लगाऊंगा सच्चाई क्या है। ऑफिसर, तू क्या कहना चाहता है? सीएम की मीटिंग में बॉम्ब लगवाया था अल सलीम ने? अपने आदमी को फिट करने के लिए पिछले सीएम को अल सलीम ने ही मारा है। ओ, सच्ची? हाँ, यही सच है। अरे होगा, सच होगा, पर तू साबित कैसे करेगा? कोई एविडेंस है तेरे पास? ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है सर? पुलिस वाले का एक ही काम है एविडेंस ढूंढना, उसी की सैलरी तो हम लेते हैं। इनकी बातों से लगता है ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। शहर में कचरा भी करते और साफ भी नहीं करते। एविडेंस 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 ढूंढने का ही तो काम है हमारा। बकवास बंद कर। तू कहता है अल सलीम ने बॉम्ब रखा, तो वो क्या खुद गया था? पेपर, पेपर, न्यूज़पेपर। ए गणपत। सलाम साहब, न्यूज़पेपर। गुड मॉर्निंग सर। पिछले साल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो तुझे याद है? रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं ना सर। वैसे आप कौन से ब्लास्ट की बात कर रहे हो? गणपत, सीएम साहब की पब्लिक मीटिंग में जो ब्लास्ट हुआ था वो वाला अजुन कौन, अल सलीम, उसी का तो काम था ये। अल सलीम जानते नहीं? सीएम बिकने को तैयार नहीं थे, बम लिया और उसे उड़ा दिया। अल सलीम उसी ने मारा? पक्का? ओ सर, अल सलीम नहीं बम रखा था। अच्छा, अल सलीम कैसे बम रख सकता है? क्या वो खुद गया था वहाँ? क्या हो गया आपको बताइए? ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। शाहजहां ने? तो क्या उसने खुद बनाया था? नहीं सर, उसके आदमियों का हाथ था। शाहजहां ने पैसे दिए और उसके आदमियों ने उसका काम पूरा किया, वैसे ही अल सलीम ने पैसे दिए और उसके आदमियों ने बॉम्ब लगा दिया, बॉम्ब फटा और सीएम दुनिया से उठा। केस सॉल्व, कितनी सिंपल केस है। का है तुम्हें पन? आप इतना बड़ा पुलिस वाला है, मैं अखबार बेचने वाला बच्चा हूँ, लेकिन मैंने केस सॉल्व कर दिया और आप नहीं कर पाए। पेपर, न्यूज़पेपर। रंजीत प्रसाद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लिली सर, पिछले साल के बॉम्ब ब्लास्ट के सारे डिटेल्स निकालो। आई नीड फुल डिटेल्स। हादसा हुआ था 30 अक्टूबर को सर। 1 नवंबर को इंस्पेक्टर हुसैन को ये केस सौंपा गया। धमाके में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था वो आया था सुब्रमण्यम केमिकल्स से। 3 नवंबर 2013 में जो प्रेस मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा था कि अल सलीम के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, पर अगले दिन से वो लापता है। हुसैन के जुटाए सारे सबूत कहाँ पर है? वो एक्सीडेंट में जल गए सर। जले या जलाए गए? रोको एक मिनट, रिवाइंड, जूम करो। फैक्ट्री किसकी है? अल सलीम के आदमी सुब्रमण्यम की। पूरा माल हमने ट्रक में भर दिया है। Yeah.
वो आ रहा है सामने से, बाद में बात करते हैं। आपने मुझे क्यों बुलाया? सर आपके हंसने की वजह मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं सुबह पेपर में पढ़ के आया हूँ, ये न्यूज मुझे याद रहे इसलिए मैंने काट कर इसे दीवार पर चिपका दिया है सर। यही दिखाने के लिए बुलाया? सीएम ने फोन पर झाड़ा मुझे, वॉर्न किया था ना तुझे? सर मुझे ट्रक पर रेड करनी थी इसलिए मैं वहां गया था। इन्फॉर्मेशन हम में से ही किसी ने लीक की, मेरे हाथ में पिंजरा थमाकर बड़े पंछी आसानी से फुर हो गए, आरडीएक्स भी छुपा दिया। ओके, सच होगा मैं मानता हूं, लेकिन दूसरों का क्या, उनको तो एविडेंस लगेगा। एविडेंस पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेगा सड़कों पर यूं चूहे पकड़कर। हम पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, वो भी तेरी वजह से। ये घटिया मतलब ये हंसी हंसना बंद करिए सर। सर पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट से नफरत करने वाली जनता को इज्जत देना किसने सिखाया? मैंने। उनमें विश्वास जगाया मैंने, फिर भी आप मुझ पर हंस रहे हो? उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे के गायब होने की एक साल पहले रिपोर्ट लिखवाई थी, कुछ नहीं हुआ। वो पुलिस डिपार्टमेंट पर मेरी वजह से भरोसा करने लगी, उसका विश्वास मैंने जगाया मैंने। उसके भरोसे को मैं इंसाफ दिलवाऊंगा, लिख लो। एविडेंस, आपको एविडेंस चाहिए? वो भी मिल जाएगा एक दिन, और जिस दिन मिलेगा मैं इस क्राइम के पीछे छुपे सारे लोगों को नंगा कर दूंगा, फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन हंसता है। आईजी रंजीत प्रसाद सर, जब तक मैं उस औरत को इंसाफ नहीं दिला देता, शहर के किसी भी गुनहगार को चैन से सोने नहीं दूंगा। हेलो, हाँ काम तमाम कर दो। हे, स्टॉप द कार। नो पार्किंग से कार हटाओ। नहीं 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 सर। आपकी गाड़ी है, हटाओ। अल सलीम जी की है। किसकी? अल सलीम जी। ओ, अल सलीम। हाँ। हाँ। एविडेंस चाहिए था ना, यहाँ बहुत सारे गवाह हैं। दिलीप सर, फोटोग्राफर को बुलाओ। यस सर। Where is my car? जल्दी कर वरना हम गैराज पहुंच जाएंगे। सर आइए सर। Where is my car? ये नई खरीदी है सर, S class, brand new। सर आ जाइए ना सर। Where is my car? नो पार्किंग में पार्किंग की थी सर, पुलिस वाले टो करके ले गए सर। Who? वही सर जो ऑफिस में आया था।
जी रंजीत यहाँ है? नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया है। आईजी को मैंने बोला तो उसने तुझे यहाँ भेजा। वो सब मेरे इशारे पर नाचते हैं। सुन, अगर मैंने ट्रिगर दबा दिया तो तेज रफ्तार से इस हाईटेक गन से 334 मिलीमीटर की एक बुलेट निकलेगी जो सीधे तेरी खोपड़ी में जाकर लगेगी एंड विद इन 0.1 सेकंड तेरा भेजा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के कंक्रीट फ्लोर पर गिरा होगा, बेवकूफ। उसके बाद तू और तेरा साम्राज्य खत्म। कितना आसान है तुझे मारना। हे अल सलीम, तुझे दुनिया से टपकाना चुटकी बजाने जितना आसान है। याद रख, मेरा मकसद इंसान को मारना नहीं, उसके अंदर के शैतान को मारना है। तुम जैसे लोगों को मारकर कुछ नहीं होगा। तुम जैसों में पैदा हो रहे पाप के विशाल पेड़ को मुझे जड़ से काटना है। देश को खोखला करने में बस तेरा ही हाथ नहीं है। तुझसे डर कर केस बंद करने वाले ACP भी गद्दार है। तेरे टुकड़ों पर पलने वाला, तुझे भगवान मानने वाला हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल गद्दार है। पिछले 25 सालों से न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जाने ली, न जाने कितने गरीबों की खून पसीने की कमाई लूटी, लेकिन अल सलीम आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। मैं IPS ऑफिसर करमवीर प्रताप 25 साल बाद तेरी बैंड बजाने सिल्वर जुबली पर आया। अल सलीम और तेरे जैसों को भगवान मानकर, मेरे जैसे ईमानदार ऑफिसर को कठपुतली बनाकर जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें मेरे नाम से पिशाब छूट जाएगी। इस समाज को तुम जैसे लोगों से मुक्त करने के लिए ही मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। रामायण भगवद गीता को काफी बार पढ़ने के बाद भी उसे न समझने वाले लोग तेरे वध के बाद उसे समझेंगे। नहीं छोड़ूंगा। मेरी कार मुझे मेरे दरवाजे पर चाहिए। तू खुद ही उसे ला कर दे मुझे। पर कैसे, कैसे? एक्सक्यूज मी सर, कॉफी लाया हूँ। शेर की दहाड़ से इंसान डर जाता है, लेकिन इस चूहे की चूचू से मैं हिल गया हूँ। ऐसा क्यों हुआ? नहीं मालूम। लाश बनकर लेटा हूँ या? हाँ। किस माने इसे पैदा किया होगा? आखिर ये है कौन? बिन बुलाए कहां से आ गया? आईजी, वैसे दो किस्म के टाइगर होते हैं, एक जो पिंजरे में पला बड़ा होता है और दूसरा जो खुले जंगल में। पता इन दोनों में फर्क कैसे किया जाता है? आंखों को देखकर मैंने आंखें देखी थी उसकी। आईजी, वो तुम्हारी तरह पिंजरे में पैदा नहीं हुआ, वो जंगल का शेर। He's a wild tiger. मुझे मेरी कार चाहिए और मैं चाहता हूं कि वो खुद लेकर आए, एक ड्राइवर की तरह। ये मुमकिन नहीं। Then he must die. Die, 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 die. D-I-E. Die. हाँ। कैसे? कैसे? सर, आप पहले ही सख्ती बरतते तो ये नौबत नहीं आती। मुझे मौका देते तो मैं टपका देता उसे। और अब रट लगा रहे हैं, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए। कैसे होगा? गो, जा, मार डालो उसे, जा। मैं तो मजाक कर रहा था सर। तुम नहीं मार सकते उसे? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना चाहिए उसके अलावा? जा। मुझे मेरी कार चाहिए। अल सलीम, उसे छोड़ो। कार इतनी प्यारी है तो मैं लेके आता। नो 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 आईजी, ये सिर्फ मेरे कार का सवाल नहीं है, मेरी रेप्यूटेशन का सवाल है, जो मुझे वापस चाहिए। ओह, कैसे, कैसे, कैसे? उसे जमीन में दफना कर। कैसे? 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 मुझे मेरी कार चाहिए। नो पार्किंग जोन से टो हुई अल सलीम की एस क्लास बेंज कार की पूरी डिटेल्स हमें मिल गई हैं। डिटेल से पता चलता है कि ये गाड़ी न्यूयॉर्क मैनहट्टन बेंज शोरूम से अल सलीम के नाम से नहीं खरीदी गई, किसी निक्सन के नाम पे डिलीवरी हुई है और अल सलीम ने ये गाड़ी उसी से खरीदी है। निक्सन? यस सर, थाईलैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने का प्लान इसी ने बनाया था। इंटरनेशनल टेररिस्ट निक्सन और ये निक्सन सेम है। इंटरपोल अटैक में निक्सन के मारे जाने के 3 महीने पहले ही इस कार को अल सलीम के नाम पर ट्रांसफर किया गया था। खूंखार टेररिस्ट निक्सन से अल सलीम ने एक कार खरीदी। यस सर।
एविडेंस दो, एविडेंस दो। उस दिन साला कितना चिल्ला रहा था, अब उसकी कार जो हमने टो की है वही सबसे बड़ा एविडेंस बनेगी। अल सलीम और निक्सन के बीच संबंध थे, ये बात तो पक्की है। बस अब हमें कंफर्म करना होगा। दिलीप, यस सर, मूव। हाय। इतनी खूबसूरत लड़की ने मेरे गाल पर चुम्मा दिया, लेकिन मेरी बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने कितना टॉर्चर किया है मुझे। मुझे कार चाहिए, मुझे मेरी कार चाहिए। डोंट वरी सर, मैं एसीपी से बात करता हूँ। हेलो एसीपी, तुम्हें ऊपर पहुंचना है क्या? कार का इंतजार और नहीं हो सकता, समझ गए ना? या मैं आऊं? मुझे कार चाहिए। I want अल सलीम, अल सलीम, चौपट हो गया, सब गड़बड़ हो गया। मुझे मेरी कार। अरे भाड़ में गई कार, यहाँ जान आफत में आ गई है। ना पुकसाते ना ही वो इतना उछलता। मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए। उस कार ने उसे कहाँ पहुंचाया पता है? कार के असली मालिक के पास। निक्सन, निक्सन का नाम उछला है इसमें। इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ए, उठ रहे, घूम के आ, चल। सही कह रहे हो, एस क्लास की कार है। कार का पता लग रहा हूँ सर। ए एसीपी, पैसे की चिंता मत करो, कार भेज दो। ए, कार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे सुन एसीपी, अब कार की चिंता मत करो, कार नहीं चाहिए। गॉड ब्लेस यू। मेरा प्रमोशन होने वाला था। गेट लॉस्ट। सर, सर, वो ऑफिसर कार लेकर आ गया सर। कार कीज नहीं चाहिए। सर ये आपके कार की चाबी है, लीजिए। ये कार मुझे नहीं चाहिए। सुनो अल सलीम, तुमने कहा था जब तक मैं खुद ये कार लेकर नहीं आता और इसे पार्क नहीं करता तुम कार नहीं लोगे, तो मैं घबरा गया और कार यहां लेकर आ गया। चाबी लो। ये क्या अल सलीम, कभी कहते हो कार चाहिए, कभी कहते हो नहीं चाहिए। तुम्हारा फंडा मेरी समझ में नहीं आता। आप अंडा खाओ तभी फंडा समझोगे। ठीक है अल सलीम, कार चाहिए या नहीं चाहिए तुम इस दुविधा में फंसे हो, पर मुझे यह जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं जान चुका हूं। न्यूयॉर्क से हिंदुस्तान तक इस कार को लाने में तुमने 1.5 करोड़ रुपए क्यों दिए? ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मिस्टर अल सलीम, अगर तुमने ये कार किसी आम आदमी से खरीदी होती तो शायद जरूरत ना पड़ती, पर तुमने ये कार खूंखार आतंकवादी निक्सन से खरीदी है। ये कार तुमने नो पार्किंग में पार्क की थी, ये कार निक्सन से खरीदी है, इसके मेरे पास सबूत हैं। तुम कहते थे ना EVIDENCE, एविडेंस एविडेंस एविडेंस, आज मेरे पास है। ये कार तूने निक्सन से क्यों खरीदी, जवाब दे, बता। हर बेंस गाड़ी का पहला मॉडल खरीदने की मेरी आदत है। निक्सन के पास इसका पहला मॉडल था जो मैंने खरीद लिया। इसके अलावा निक्सन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तू झूठ बोल रहा है अल सलीम। ये सच है। झूठ बोल रहा है तू अल सलीम। तुम कैसे कह सकते हो ये सच है या झूठ? सच कहता तो तू ऊपर ना देखता, बगल में देखता। क्या कहा? सच कहने वाला इंसान उस दिन क्या हुआ ये बताने के लिए बगल में देखता, और याद करके ख्याली पुलाव बनाने वाला इंसान ऊपर देखकर मनगढ़ंत कहानी रचता है जैसे तूने रची। तेरा कहना है कि तेरा और निक्सन का कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं है। अल सलीम, तू करमवीर प्रताप से बात कर रहा है, अच्छी तरह सोच ले। एविडेंस के बिना तो कुछ नहीं कर सकता। तेरी स्ट्यूपिड थियरीज नहीं चलेंगी। मरे हुए निक्सन को जिंदा कर और साबित कर। ओके। आईजी सर, आप भी नंबर में हैं। गुड डे सर।
अच्छा हुआ चला गया सर। हाँ पर सीना तान कर गया, मुझ पर यकीन करके नहीं, इस विश्वास के साथ गया कि वो मुझे अरेस्ट जरूर करेगा। इससे पहले कि वो निक्सन को पकड़े, हमें कुछ करना होगा। कैसे? हाँ बोलो। क्या कहाँ? कैसे हुआ? मैं और सासू माँ शॉपिंग करने गए थे, अल सलीम गैंग आई और फिर ये। नहीं रुक जाओ, मत जाओ, यूं मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मेरा आखिरी वक्त है, कितने सपने सजाए थे। दो बच्चे होंगे, एक का नाम सिंघम और दूसरे का दबंग होगा, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए। पता है तुम्हारी पर्सनालिटी को सोच कर रखा था। कितना खून बह रहा है। जानू, मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में है, तो नीचे वाले उनको कैसे रोके? जानू, ओनली वन विश है मेरी। पता नहीं तुम पूरी करोगे कि नहीं। चुटकी भर सिंदूर, वो तो घर में है नहीं। हाँ पर मैंने मंगलसूत्र का जुगाड़ कर लिया है, पहना दो। अब ज्यादा मत सोचो वरना देर हो जाएगी। मुझसे प्यार करते हो ना, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। सारी सेटिंग हो चुकी है सासू माँ, और देर मत करो, इन्हें ड्यूटी पर भी जाना है। जल्दी थैंक्स। सुनो जी, मेरी एक और आखिरी विश है। कहो। अब शादी हो गई, सुहागन भी बन गई, फेयरवेल किस भी दे दो प्लीज। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था प्लीज। ओह, इतने लोग हैं, इसीलिए शर्म आ रही है। छोरी हनीमून मना के रहेगी। हाँ ये लोग तो चले जाएंगे। लव सीन शुरू। जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो चलो कम कम पर वो कम ना कम ना कम 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 और पास और पास। हे भगवान, किससे शादी कर ली? ओहो, तुम्हें यहाँ किस करने को किसने कहा था? यहाँ किस माँ बहन को किया जाता है? पत्नी को नहीं। टेक टू, आ जाओ आ जाओ आओ आओ ना आ जाओ मेरे शेर। बेबी, ड्रामा सक्सेसफुल। प्रॉप निकालो। बड़ा महंगा है। जीजा जी, अपनी शादी की दावत नहीं खाएंगे? जाइए जाइए, तैयार है, जाइए। चलिए ना चलिए ना जी। अरे आइए ना।
थोड़ी देर और एक्टिंग करती ना तो वो ब्लड वाला स्टॉक वो खत्म होने वाला था। ये सब ड्रामा क्यों किया? ड्रामा नहीं, रियलिटी शो जो 10-20 साल बाद होने वाला था वो हमने आज ही कर लिया। आप दोनों का टाका भिड़ा दिया। जाओ जी जाजी के लिए खाना लेकर आओ। जाओ जाओ खाना। वो तो मुझे खाना खिलाएगी लेकिन आज मैं तुझे गोली खिलाऊंगा। क्या कर रहे हो ये? माँ तुम भी इन सब के साथ मिली हो, तुमने धोखे से मेरी शादी करवा दी। तू अगर जीवन में कुछ हासिल करेगा तो मुझे भी श्रेय मिलेगा ना। मुझे भी कंपनी चाहिए थी इसलिए ये सब नाटक किया। चल अब छोड़। सुनिए जी, आपको मैं खाना खिलाऊं? खा लो, अब से यही खाना है। शट अप। बेटा हूं मां, मुझे मारने के लिए उसने प्रोफेशनल्स भेजे थे। उसने इनका केस हाथ में लिया तब भी मुझे मारने की कोशिश नहीं की। सीएम के हत्याकांड का मामला जब मैंने संभाला तब भी उसने मुझे नहीं मारा। नो पार्किंग जोन से जब मैंने उसकी गाड़ी टो की तब भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। पर निक्सन के बारे में सवाल करते ही उसने अपने आदमी मुझे मारने भेजे। कुछ तो गड़बड़ है। मरे हुए निक्सन के बारे में पूछने पर अल सलीम मुझे मारने के लिए इतना उतावला क्यों हुआ? एक बात तो तय है, निक्सन से जुड़े किसी राज के हम बेहद करीब हैं, बेहद करीब। दिलीप? यस सर। पीपल सर, टेक आउट ऑल द डिटेल्स अबाउट निक्सन एंड अल सलीम्स नेक्सस। यस सर। ये है निक्सन कैसिनोवा, इंटरनेशनल टेररिस्टों का अड्डा। टेररिस्टों को सारी इन्फॉर्मेशन, पैसा और हथियार ये निक्सन ही सप्लाई करता था। किस देश पर या किस इंसान पर हमला करना है ये कोई और नहीं बल्कि निक्सन ही तय करता था। Stop. Come back. Come back. Come back.
जूम इन। हुश। हाँ, मैं निक्सन से प्यार करती थी। इंटरपोल अटैक में मारे जाने के बाद ही मुझे पता चला वो एक टेररिस्ट है। अब मैं सिर्फ लोगों का दिल बहलाती हूँ, और कुछ। तुम निक्सन के किसी दोस्त को जानती थी? सर, आपको निक्सन के बारे में मुझसे कुछ नहीं पता चलेगा। जितना आप उसके बारे में जानते हैं मैं तो उससे भी कम जानती हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत कीजिए। जब भी तुम्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए तुम हमें कोऑपरेट करोगी? ओके, श्योर, थैंक यू। क्या वो आया था? यस बॉस। क्या कहा तुमने? आपने जैसा मुझे समझाया था मैंने वही कहा। जेनी। 1 मिनट सर। निक्सन की फाइल खोलो, इंटरपोल फोल्डर, धीरे धीरे स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन, स्टॉप, कीप डूइंग। जेनी। सर। पिछले 2 साल में निक्सन के पासपोर्ट पे किस देश का इमिग्रेशन स्टैंप लगाया? देखती हूँ। हमें जो डिटेल चाहिए थी वो मिल गए सर। अक्टूबर 25th निक्सन हैदराबाद आया था। अक्टूबर 30th सीएम बॉम्ब ब्लास्ट। 4th नवंबर को निक्सन न्यूयॉर्क रवाना हुआ। नवंबर 5th हुसैन की माँ ने कंप्लेंट फाइल की कि उसका बेटा लापता है। 10th जैन को निक्सन थाईलैंड चला गया। जैन 18th थाईलैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर पर हमला हुआ। जैन 25th निक्सन इंडिया वापस आया। इसके बाद सबूत नहीं कि इंडिया से बाहर गया, लेकिन फिर न्यूयॉर्क इंटरपोल से खबर आती है कि निक्सन न्यूयॉर्क में मारा गया। जब निक्सन वहां गया ही नहीं तो उसके मरने की खबर कैसे आई? एक बात तो तय है, निक्सन के बनावटी पासपोर्ट पे कोई इंडिया आया जरूर है। इंडिया आया हुआ वो निक्सन कौन है? प्रीति सर, 25 अक्टूबर को निक्सन हैदराबाद एयरपोर्ट आया था। सर्वेलेंस फुटेज को चेक करो। यस सर। प्लीज सेंड ऑल डेटा इमीडिएटली। ऑल डिटेल्स ऑन मेन स्क्रीन सर। स्टॉप। वो कौन है? जूम इन। सर, ये सीईओ नरेंद्र है। जो आया वो क्रिश्चियन था, सीईओ नरेंद्र हिंदू है। बहुत शातिर है वो। गो फॉरवर्ड। स्टॉप। ज़ूम इन। वो कौन है? सर, ये एक डीजे है, नाग। ओके, चेक करके बताओ कि वो फोन पे किससे बात कर रहा है। सर, इट्स 9840211000। किसका नंबर है? सुब्रमण्यम का है। सर, ये अल सलीम का आदमी है। अगर हमें डुप्लीकेट पासपोर्ट वाले को ढूंढना है तो हमें इन तीनों को ढूंढना होगा। दिलीप। सर। नमस्ते सर। Oh!
बना रहा हूँ। दो साथियों के मरने के बाद अल सलीम के डर से लगता है तीसरा कहीं छुप गया है। हमारे डेटाबेस से सुब्रमण्यम का कोई भी एक स्पीच निकालो। मिलेनियम पार्क के बॉम्ब धमाके में काफी लोगों की जाने गई। काफी लोगों को अल सलीम पसंद नहीं है, इसलिए वो अल सलीम जी को कई कई बार इस साजिश के पीछे घसीटना चाहते हैं। कई कई बार मैंने कहा कि मेरा अल सलीम से बिजनेस के अलावा और कोई वास्ता नहीं है। कई कई बार समझाने के बाद भी कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अगर आइंदा ऐसा कई कई बार हुआ तो मैं उनके खिलाफ कई कई बार एक्शन लूंगा। कई कई बार ये शब्द वो काफी बार इस्तेमाल करता है। इसे सैटेलाइट पर सर्च करो। सर, ये कई कई शब्द 10 नंबर से आ रहा है। कौन सी वॉइस फ्रीक्वेंसी मैच होती है? कई कई बार, 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 कई कई बार। इसका एड्रेस ट्रेस करो। सर, इट्स नंबर 20, फर्स्ट फ्लोर, सैयद अली कबूतर स्ट्रीट, शालीबंदा, ओल्ड सिटी। डाउन, डाउन, डाउन। तुझे अलग से समझाऊं? गंस फेंको। Sir!
उस तूफान को कैसे रोके? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो मौत से भी नहीं डरता। तो फिर किसकी मौत से तड़पेगा वो? उसके भाई बहन तो नहीं है, हाँ, पर कभी कभी माँ की बातें करता है। हम उसकी माँ की डिटेल्स निकाल सकते हैं। दिन बच गई तो? हाँ, वैसे क्या कहा था तूने? तेरा पति एक मामूली पुलिस ऑफिसर था, वो अगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू तो एक औरत है, तू क्या कर सकती है? हाँ, सच कहा था, मैं एक औरत हूँ, क्या कर लूंगी, बस बच्चा पैदा कर सकती हूँ, और मैंने वही किया। करमवीर मेरा बेटा है। क्यों रे सलीम, छोटे शब्द सुरीले होते हैं ना, जैसे कहाँ है। पता है मेरा पसंदीदा शब्द कौन सा है? कैसे कैसे कैसे, पूछ पूछता रह जाएगा। करमवीर को कैसे खरीदे, करमवीर को कैसे गायब कर सकते हैं, उसे कैसे डरा सकते हैं, कैसे मरवा सकते हैं, कैसे कैसे सोच के पागल हो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे इस तरह से किडनैप करके तू मेरे बेटे को डराना चाहता है? बहुत बड़ा बेवकूफ है। सच्चाई सुनना चाहेगा? अभी तक तो मैंने अपने ऊपर किए तेरे अत्याचार अपने बेटे को बताए भी नहीं है। किसी हुसैन के लिए उसने तेरा ये हाल बना रखा है और तेरा जीना हराम कर दिया है। सोच, जब उसे ये पता चलेगा कि तूने ही उसके पिता का खून किया है तो वो तेरी क्या दुर्दशा करेगा। क्यों रे, यहाँ मुझे मारने के लिए लाया है तो मारना, मारता क्यों नहीं? करमवीर तुझे यूं मार डालेगा। तुझे मरते हुए यहाँ से नहीं तो आसमान से देखूंगी, बस इतना ही ना। तू खुद ही फैसला कर ले कि तुझे झटके से मरना है या तड़प तड़प के अपनी जान देनी है। अब बोल, मुझे अभी मारना है तो मारना, या चाहता है मैं घर जाऊं तो मैं चली जाती हूं। मुंह खोल, मैं रुकूं या जाऊं? बेटा जरा जाने दोगे? शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? उस रात जंगल में आपने मेरी जान बचाई थी और आज घर पर ड्रॉप कर दिया। देखिए, जो कुछ भी हुआ मेरे बेटे से मत कहिएगा। मुझे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे बेटे ने एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है, ना कि अपनी माँ का बदला लिया है। बहन, निक्सन की गर्लफ्रेंड का फोन है सर।
दिलीप सर। प्रीति। यस सर। सर, मैंने कहा था मैं निक्सन की गर्लफ्रेंड हूँ, वो झूठ था। मैं निक्सन की नहीं, हुसैन की गर्लफ्रेंड हूँ। निक्सन के फेक पासपोर्ट पर कोई और इंडिया आया था, इसी बहरूपिया निक्सन ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया और इसी निक्सन ने हुसैन को भी मरवाया। तुम उस बहरूपिया निक्सन को जानती हो? नहीं सर, पर यही जानने के लिए मैं अल सलीम की गैंग में शामिल हुई हूँ। उसे मेरी सच्चाई का पता चल चुका है, वो मुझे कभी भी मरवा सकता है। नकली निक्सन कौन है, कहाँ है, उसके सारे सबूत है मेरे पास। मैं यही रुकती हूँ, आप आ जाइए। हेलो एसीपी, वो अपने ऑफिस में नहीं है। तुम जाकर सुब्रमण्यम को खत्म कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। खून नहीं कर सकता मैं, ये काम आईजी को सौंपिए आप। आई एम सॉरी एसीपी, 4 बजे तक का टाइम है, वरना तुम्हारा टाइम खत्म। पर... हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूँ। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? 4 बजे तक सुब्रमण्यम को नहीं मारा तो अल सलीम मुझे मारेगा। What? फर्ज निभाना मैंने आपसे सीखा है। बात क्या है? अब उससे बेईमानी नहीं कर सकता। हाँ? अगर उसका काम नहीं किया तो सलीम मुझे जरूर मारेगा, लेकिन उससे पहले मैं निक्सन के बारे में आपको सबूत देना चाहता हूँ। शहर के बाहर जो जंगल है वहाँ जल्दी आ जाइए सर। मेरी बात तो ऑटो। दिलीप सर, एसीपी निक्सन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, मेरे पहुंचने तक उनकी हिफाजत करो। यस सर। ले ली, कुछ नहीं मिला। चौंक गए एसीपी, किसका इंतजार हो रहा है? क्यों, कोई इंफॉर्मेशन देनी है? हाँ तो बोलो, क्या बताने वाले थे उसे कि निक्सन मैं हूं? एसीपी, तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है, मौत से डर? बिल्कुल नहीं, उस करमवीर की देशभक्ति देखकर डरना भूल गया हूं। अपने फर्ज से वफादार रहने की कसम याद दिलाने के बाद अब डरना भूल गया हूं। एक औरत साड़ी पहनकर पुलिस की तरह जी रही है और पुलिस की वर्दी पहनकर मैं किसी नामर्द के जैसे। मुझे प्रताप को बहुत पहले बता देना चाहिए था कि आतंकवादी निक्सन तुम हो। डरपोक बनकर कायरों की तरह जीता रहा, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पुलिस, इस महान शब्द से मैंने बेईमानी की। मौत तो सबको एक दिन आनी है, पर कुछ की गिनती शहीदों में होती है। रोज जीते जी मरने से अच्छा है कि मरकर अमर हो जाऊं। एसीपी, दोनों को मारने के बाद वो उस तरफ भागा है। वो अचानक आया और शूट करके भागा सर।
एसीपी। चलो एसीपी, 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 क्या क्या हुआ था? मुझे बताइए सर। कौन था वो? कौन था वो सर? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जाफर सर, सर जवाब दीजिए सर। आप जानते हैं सर उसे? सर सर जवाब दीजिए मुझे आप, सर बोलिए सर, बोलिए क्या आप उसे पहचानते हैं सर? सर दिलीप, पृथ्वी पेनड्राइव खोलो। पासवर्ड चाहिए सर। पासवर्ड हैक करके प्रोग्राम खोलो। ट्राइंग सर, स्टिल नॉट ओपनिंग सर। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। नो सर। डू समथिंग। Still not getting, sir. Priti, this is urgent and important. Do something. Yes, sir, but I need some more time. Keep working. Sir, body aa gayi hai. You have to crack it. Yes, sir. दिलीप सर, वॉशरूम होके आता हूं सर। गो। एनी प्रोग्रेस? नो सर। कीप ट्राइंग प्रीति। यस सर। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू। यस सर। सुनो सर, दिलीप को बुलाओ। यस सर। सर सुब्रमण्य मर चुका है। सर पासवर्ड खुल चुका है। पासवर्ड खुला? यस सर, खुल रहा है। गुड सर। दिलीप नहीं है। उसे हर जगह ढूंढा सर। सर दिलीप। सर अब उस मैटर के बेहद करीब है जो निक्सन से ताल्लुक रखता है। यस सर। निक्सन के नाम पे कोई इंडिया में डुप्लीकेट पासपोर्ट पर आया है। ए, बता। हेलो माँ। माँ तैयार हो रही है सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें ले आऊंगा सर। बहुत तैयार। पेन ड्राइव संभाल के रखिए। माँ से बात करनी है? नहीं करनी। ओके सर। पता है ना कहाँ आना है, मैं इन्हें लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। आप पेन ड्राइव लेकर आइएगा। वो आया क्या? आ गया सर।
आजा। तूने तो मुझे जानू दिखा दिया रे। यही जब तूने मेरी कनपट्टी पे गन रखी तो मैं पूरी तरह से डर गया था, लेकिन मैंने जब तुझ पर गन तानी इतना गट्स लाता कहां से है तू? तेरी आंखों में खौफ देखकर मुझे ठंडक पहुंचेगी। तेरी इन आंखों में जब मैं डर का साया देखूंगा उस घड़ी मुझे सुकून मिलेगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तेरी माँ सोचती है उसने मुझ पर एहसान किया, उसने बहुत सारी बातें तुझसे छुपाई है, तुझे बताई नहीं। क्या छुपा रही थी तू? क्या छुपा रही थी? जो कुछ तूने छुपाया था वो मैं बताऊंगा। ये अल सलीम बताएगा। तेरी माँ ने जो तुझसे राज छुपाया था वो मैं बताऊंगा। 25 साल पहले एक पुलिस वाले ने मुझे रोकने की कोशिश की, उस पुलिस वाले का अंजाम क्या हुआ? मार डाला मैंने उसे। पता है वो कौन था? गेस कर। बता। वो तेरा बाप था। मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, जो सच था वो सब बता दिया मैंने। बेटे को पता चलेगा तो? अब तो मैंने उसे बता दिया है, लेकिन क्या कर लेगा वो? क्या बिगाड़ लेगा?
ए, क्या कह रहा था? पावर स्टार, पावर स्टार है ना तू? अब जरा इस पावर का मजा ले ले, ले ले। पावर स्टार। अब की बार पावर स्टार। चुटकी मत बजा था ना तो कौन खोलता? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? मिलेनियम पार्क में बॉम्ब लगाकर सीएम को मारा मैंने। उसी केस में मुझे पकड़ने आए इंस्पेक्टर हुसैन के टुकड़े टुकड़े किए मैंने। तू किस खेत की मुलियर है? चमड़ी छील दूंगा तेरे बदन से, चमड़ी छील दूंगा। प्राइम मिनिस्टर समर सिंह को अगर मैं मार दूंगा तो मुझे अरबों अरबों रुपए मिलेंगे, ट्रक भर भर के, जिससे मैं अपनी आतंक की दुनिया को आबाद करूंगा और उससे मुझे और ताकत मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर को तो मैं थाईलैंड में ही टपका देता, नकली निक्सन का प्लान बना के। लेकिन तूने अपनी टांग अड़ाई, उसके बाद तूने अपनी टाइगर टीम बनाई, तूने सीएम की मौत के बाद अपनी टाइगर टीम बनाई, और मैंने उसी की मदद से 15 अगस्त के दिन पीएम को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। मैंने इस बंदे को निक्सन बना के तेरी टीम में शामिल किया। जानते हो निक्सन के लिए जाली पासपोर्ट बनाने वाला कौन था? आई जी। तुझे इसी निक्सन की तलाश थी ना? तूने इसे जगह जगह तलाशा, न्यूयॉर्क में ढूंढा, ऑस्ट्रेलिया में ढूंढा, इंडिया में भी ढूंढा, पर अपने आसपास नहीं ढूंढा, अपनी टीम में नहीं ढूंढा। मेरे दिमाग का था ये प्लान। ए, ईश्वर भी मंदिर के चोरों को नहीं पकड़ सकता। तुझे मैंने सब बता दिया, अब क्या बिगाड़ने का तू मेरा? पूछ से क्या बिगाड़ लेगा? मेरा बाल उखाड़ेगा? बोल उखाड़। मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ले ले, उखाड़ सकता मेरा बाल? हाँ बोल, तेरे सामने हो, दबे तो उखाड़। इस कैमरे ने सब कुछ कर दिया, ध्यान से देख। बीबीसी, सीएनएन, 134 इंटरनेशनल चैनल्स पर तूने जो कुछ भी कहा उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मुझसे? अब समझा उल्लू, मैंने इतना मार क्यों खाया तुझसे? इस पावर स्टार के सामने सब पावर फेल है। ए अल सलीम, जब चुटकी बजा के मैंने तुझे ऑफिस में ललकारा था, मैं समझ गया था तू पगला जाएगा। मेरी चुटकी में भी पावर है। कितना चिल्ला रहा था तू, एविडेंस ले आ, एविडेंस ले आ। देखा ना, मैंने एविडेंस दिया थोक के भाव तुझे। नहीं नहीं, तू फंस गया। एक मिनट भी तू यहाँ नहीं रह सकता। देश के किसी भी कोने में भाग के दिखा। हे अल सलीम, थ्री टाउन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल से लेकर अमेरिकन सीआईए सब तुझे इतनी बेरहम मौत मारेंगे कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। दूसरा जन्म लेने लायक नहीं रहेगा। हे अल सलीम, क्या कहा था तूने? मेरी आंखों में तुझे डर देखना है? नहीं देखना। कहा था ना तूने मेरी आंखों में डर देखना है? नहीं देखना मुझे। तुझे मेरी आंखों में डर नहीं दिखेगा। दिखेगा तो सिर्फ गर्व। देश के तिरंगे को देखकर हमें जितना गर्व होता है, एक सच्चे देशभक्त की आंखों में तुझे वही गर्व दिखेगा। तुझे पता है मुझे किसका गर्व है?
इस धरती पर पैदा होने का गर्व है। देश के लिए जान देने वाले वीरों पर मुझे गर्व है। सरहद पर तैनात जवानों पर मुझे गर्व है। मैं इस देश के लिए अकेला जंग पर जाने को तैयार हूँ। मैं देश के लिए मरने को तैयार हूँ। अगर मेरे देश की तरफ किसी दुश्मन ने आँख उठाकर देखा तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। हुसैन जैसे देश भक्तों को बचाने के लिए तुझ जैसे देश द्रोहियों को मार मार कर सरहद बाहर मैं जिंदा दफन भी कर सकता हूँ। जब जब तुझ जैसे दरिंदे इस धरती पर जुल्म की जड़ें फैलाएंगे मुझ जैसे उनका सर्वनाश करेंगे। मुझे बख्श दे, कहना मुझे छोड़ दे। दर्द हो रहा।
करप्शन का अंत हो चुका है। आईजी रंजीत प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एसीपी रवि कुमार की बेटी पुलिस एकेडमी में भर्ती हो चुकी है। उम्मीद है वो अपने पिता का नाम रोशन करेगी। स्वर्गीय इंस्पेक्टर हुसैन को अपनी बहादुरी के लिए गवर्नमेंट से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने वो सम्मान हुसैन की माँ को दिया। क्या है, चल पत्ते खेलने का टाइम हो गया। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? देख, पेपर बेचते बेचते मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मेरे बाप को कितनी खुशी होगी पता है। सिर्फ अपने ही स्टेट के लिए नहीं दोस्त, इंडिया की बड़ी छोटी हर गली में खुद का न्यूज़पेपर बांट कर अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है। एक दिन न्यूज़पेपर कंपनी का बॉस बनना है। भाई तुम लोग भी जाओ और जाकर देश के लिए कुछ करो। समाज में परिवर्तन आ रहा है और दूसरी तरफ करमवीर प्रताप के घर एक बेटे ने जन्म लिया है। आपकी पोती को क्या हुआ, ये इतना रो क्यों रहा है? ये कह रहा है इसे बहन चाहिए। ओ, है ना? देखो 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 ये क्या है। समाज को एक नई दिशा देने के लिए करमवीर प्रताप अपना कर्तव्य अपना धर्म समझकर निभा रहा है।